पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बरसात। हाफिजाबाद, उकाड़ा, खसूर, शेखपुरा, कामुनकी, शोरकोट, कबीरवाला में बादल खूब बरसे। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मौतल। लाहौर में रिमझिम, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। डेरा इस्माइल खान की सड़कें जेरे आब, शहर गंदगी के ढेर में तब्दील। सोलह माह की हुकूमत में मुल्क दिवालिया होने से बचाया। 2025 तक महंगाई 10% तक ले आएंगे। वजीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डोनाल्ड लो के अहले खाना को धमकियां मिलना अफसोसनाक है। वो कौन सी जमात है जिसने धमकियां दी? अगर धांधली हुई है तो KPK में एक सियासी जमात को 75% मैंडेट कैसे मिल गया? हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का प्लान तैयार। पहले मरहले में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर के रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। हर ताजर दुकान के सालाना किराए के हिसाब से टैक्स देगा। कम अज कम इनकम टैक्स 1200 रुपए मुकर्रर। इतलाक 1 अप्रैल से होगा। नौ मई की रट लगाई हुई है। जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो सब पता चल जाएगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हमें इस हद तक ना ले जाएं कि हालात बेकाबू हो जाएं। मुल्क आइन अमलन मुअत्तल हो चुका है। पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका है। जैसे जुलूस की इजाजत नहीं, जिमनी इलेक्शन में अवाम के पास जाएंगे। स्ट्रीट क्रिमिनल सतंग कराची वालों ने अपनी अदालत लगा ली। कोरंगी जमान टाउन में दो मुबैना डकैतों को पकड़ लिया। शहरियों के तशद्दुद से दोनों हलाक। गुलशन मेमार में शाहीन फोर्स और मुलजमान के दरमियान मुकाबला। एक डाकू मारा गया, दूसरा गिरफ्तार। नॉर्थ नाजमाबाद और बहादराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। 9 डाकू गिरफ्तार। असलहा और मसरूका सामान बरामद। फैसलाबाद में पतंगी डोर से 22 साल नौजवान की हलाकत। पुलिस की बेहसी। जख्मी नौजवान के करीब से मोटरसाइकिल सवार पुलिस अहलकार गुजरे मगर नजरअंदाज करके चलते बने। वजीर आला पंजाब बरहम, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम चलाने का हुक्म। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी तहलील, नई का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तर्जमान PCB ने कहा है कि नई सिलेक्शन कमेटी टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आजादाना फैसले करेगी जो सबके सामने होंगे।